आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ ला ऑर्गेनो के ग्लूटाथियोन स्किन ब्राइटनिंग सोप का। ये सोप आता है विद द पावर ऑफ ग्लूटाथियोन और ये क्लेम करता है कि इट ब्राइटन्स योर स्किन एंड व्हाइटन्स योर स्किन। ग्लूटाथियोन स्किन केयर प्रोडक्ट्स आजकल काफी ट्रेंडिंग है और लोग इनको इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किन को ब्राइटन और व्हाइटन बनाने के लिए, क्योंकि ग्लूटाथियोन में ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिससे कि ये हमारे स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है, हमारे स्किन के मेलानिन को रिड्यूस करता है और हमें जितनी भी सन टैनिंग की वजह से प्रॉब्लम हुई है ये उसके इफेक्ट को भी रिवर्स कर देता है। इनफैक्ट अगर आपके स्किन पे डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, आपको ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है या फिर अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम भी है तो ग्लूटाथियोन उसमें काफी बेनिफिशियल साबित होता है और ये आपकी स्किन को बनाता है एकदम ग्लोइंग। नॉर्मली हमारी बॉडी का जो एक्सपोज्ड एरिया होता है जैसे कि हमारे नीज, हमारी एल्बोज और हमारी बैक ऑफ नेक का एरिया, उसमें डेड स्किन की लेयर की वजह से वो एरिया डार्क दिखना शुरू हो जाता है जिसे कि हम ऑक्सीडेटिव डैमेज भी कहते हैं। इसके अलावा अंडर आर्म्स का एरिया या फिर वो एरिया जहाँ पे हम रेजर यूज करते हैं या सनबर्न की वजह से या स्वेटिंग की वजह से भी हमारी स्किन का जो टेक्सचर है वो डार्क हो जाता है, ऐसे में ग्लूटाथियोन काफी हेल्पफुल साबित होता है इस चेंज को रिवर्स करने के लिए। वैसे तो मार्केट में ग्लूटाथियोन के टैबलेट्स और इंजेक्शंस भी अवेलेबल है, मतलब आप उसको इनटेक भी कर सकते हो, बट ऐसा करने से साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम ग्लूटाथियोन की क्रीम यूज करते हैं या सोप यूज करते हैं, क्योंकि उनका जो एप्लीकेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है और पैच टेस्ट के बाद हमें पता चल जाता है कि हमें सूट करेगा या नहीं करेगा, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप जो एक्सटर्नल चीजें हैं वो ही यूज करें। ला ऑर्गेनो ग्लूटाथियोन स्किन वाइटनिंग सोप के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं ग्लूटाथियोन और इसमें आपको मिलता है कोजिक एसिड, साथ में इसमें कोकोनट ऑयल है, पाम है, मशरूम एक्सट्रैक्ट्स है और पी एक्सट्रैक्ट्स भी है। इसके अलावा इस सोप में है शिया बटर, कोकम बटर, ग्लिसरीन, ऑलिव एक्सट्रैक्ट्स, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स एंड पर्ल प्रोटीन भी। इसमें नेचुरल और केमिकल दोनों तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं, बट ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ हैं। सोप की आउटर पैकेजिंग कार्डबोर्ड पैकेजिंग है और पैकेट पे आपको सोप की सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। इस सोप को काफी हाइजीनिकली पैक किया जाता है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो मेरे हैंड्स का टेक्सचर है वो काफी डार्कन है, तो देखते हैं कि इस सोप का कोई असर होता है या नहीं मेरे हैंड्स पर। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस सोप को आपको यूज कैसे करना है। आपको पहले अपनी स्किन को थोड़ा सा डैम्प करना है, उसे थोड़ा सा गीला करना है और उसके बाद आपको इस सोप को अपनी स्किन पे अप्लाई करना है। सोप को अप्लाई करने के बाद आपको इस सोप को अच्छे से अपनी स्किन पे 5-6 मिनट तक मसाज करना है ताकि इसका जो लेदर है, इसका जो झाग है वो आपकी स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। वैसे तो आपको इस सोप को अपने अफेक्टेड एरिया पे ही अप्लाई करना है, बट आप इसको पूरी बॉडी पे भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसको अपने फेस पे भी यूज कर सकते हैं। सोप को यूज करने के बाद आप इसको 2 मिनट तक अपनी स्किन पे छोड़े और फिर नॉर्मल वाटर से अपनी स्किन को वॉश कर लें। सोप की फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद ही आप इसका विजिबली क्लियर इफेक्ट अपनी स्किन पे देख सकते हैं। ये है मेरी फर्स्ट डे की क्लिप और इस सोप को मैंने यूज किया है पूरे 3 हफ्तों के लिए। मैंने इसे अपनी पूरी बॉडी पे और साथ में अपने फेस पे भी यूज किया है और इस सोप को मैंने डेली बेसिस पे यूज किया है क्योंकि मेरी स्किन पे, मेरे फेस पे काफी सारे डार्क स्पॉट्स थे और मैं जानना चाहती थी कि ये डार्क स्पॉट्स पे काम करता है या नहीं। इस सोप की सबसे अच्छी बात ये है कि फेस वॉश करने के बाद भी इसने मेरी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं किया। और गाइज ये है मेरी क्लिपिंग्स 2 वीक्स बाद की और आप देख सकते हैं कि सोप को मैंने कितना ज्यादा यूज कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इस सोप को डेली यूज कर रही थी। इस सोप में आपको क्वांटिटी मिल जाती है 68 ग्राम्स, तो ये जो सोप है ये कम से कम लास्ट करेगा आपका 1 मंथ तक। एंड गाइज ये है मेरी क्लिपिंग प्रेजेंट डे की और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इफेक्ट आया है इस सोप का मेरी स्किन पे। मेरे फेस पे काफी सारे डार्क स्पॉट्स थे, इनफेक्ट मेरे हैंड्स का टेक्सचर भी काफी डार्कन था, तो इस वक्त मेरी जो स्किन है वो काफी क्लियर हो गई। इस ग्लूटाथियोन सोप को यूज कर सकते हैं सभी स्किन टाइप के लोग और इसको मेन और वुमेन दोनों यूज कर सकते हैं। एंड गाइज जब आप इस सोप को यूज करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको पहले वॉश के साथ ही जो डिफरेंस है वो नजर आना शुरू हो जाएगा और अगर आप इसको कंटिन्यूअसली यूज करते हैं तो ये आपकी स्किन को ना केवल ब्राइटर बनाएगा, आपकी स्किन के टेक्सचर को इंप्रूव करेगा, इनफैक्ट आपके डार्क स्पॉट्स को भी काफी हद तक रिड्यूस करेगा। ला ऑर्गेनो ग्लूटाथियोन सोप में आपको और भी बहुत सारे वेरिएंट्स मिल जाएंगे जैसे कि एलोवेरा, पपाया, लेमन और टी ट्री, यानी कि अब आपको ग्लूटाथियोन के साथ इन सभी इंग्रेडिएंट की गुडनेस भी मिलेगी। So guys, this was my today's review video and I hope कि ये वीडियो आपके लिए काफी इनफॉर्मेटिव साबित होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। एंड गाइज अगर अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या सोच रहे हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आती रहती हूँ। एंड गाइज अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे 1-on-1 वहां पर भी पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी ब्यूटीफुली बेस्ट।